नमस्कार दोस्तों, यूपी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मटर पनीर बनाना सीखेंगे। चलिए हम मटर पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को पीसेस टुकड़ों में काट लेंगे। तो मटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए मटर, ये हमने एक पाव मटर ले लिया है, और 3-4 टमाटर हमने पीस लिया है, और 2 प्याज पीस लिया है, 1 प्याज बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च काट लिया है, और उसके लिए चाहिए हमें जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और पनीर चाहिए। तो सबसे पहले हम पनीर को काट लेते हैं। पनीर को आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा पीस काट सकते हैं। सबसे पहले हम इसी तरह से सारे पनीर को काट लेंगे। हमने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा पीस काट सकते हैं। ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए हम टमाटर और प्याज को पीस कर डालेंगे। दोस्तों, यदि पनीर की मात्रा की बात करें तो पनीर हमारा 1/2 किलो है, और 1 पाव मटर हमने लिया है, और 3-4 टमाटर पीस लिया है, और 2 प्याज को हमने पीस लिया है। प्याज और टमाटर पीस कर डालने से ग्रेवी जो होती है वो बहुत गाढ़ी तैयार होती है। तो दोस्तों, चलिए हम पनीर बनाना शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखकर कढ़ाई को थोड़ा गर्म करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। दोस्तों, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल हम सरसों का डाल रहे हैं, आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। तो तेल को हल्का गर्म होने देंगे। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं जीरा चटक चुका है। अब हम बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक का भूनेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्याज हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा भूनेंगे। दोस्तों, प्याज हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छे से पकाएंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट दोनों हम साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन साथ में डालने पर प्याज नहीं पकेगी और टमाटर जल्दी पक जाएगा। प्याज जो होता है वो थोड़ा लेट में पकता है, तो इसलिए हम पहले प्याज को थोड़ा पका लेंगे, उसके बाद हम टमाटर को डालेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। दोस्तों, टमाटर हमारा पक रहा है। हम इसके साथ साथ मसाले को भी डाल देंगे, जिससे मसाला भी अच्छे से पक जाए। तो हम मसाला डाल देते हैं। 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे अच्छे से पकने देंगे। मसाला हमें तब तक पकाना है जब तक कि मसाले के ऊपर तेल ना आ जाए, तब तक हमें मसाले को भूनना है। दोस्तों, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसके साथ साथ नमक डाल देंगे। नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। नमक मसाले के साथ डालने से अच्छे से मिल जाता है। आप देख सकते हैं मसाले में तेल ऊपर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे मटर। और हम
पनीर को भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसे पकाना है जिससे पनीर कच्चा ना लगे। अब हम पनीर को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो हमारी पनीर टूट जाएगी। हल्के हाथों से चलाते हुए हम पनीर को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। दोस्तों, पनीर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। हम थोड़ा पानी और डालेंगे। अब हम पनीर को 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जब पनीर अच्छे से पक जाएगी तब हम गैस को बंद करेंगे। तो पनीर को अच्छे से पकने देते हैं। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पनीर उबल रहा है। ये अच्छे से अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पनीर ज़्यादा था। इसका और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा मलाई डाल देंगे इसमें। आप दही भी डाल सकते हैं और अभी इसे हम इस तरह से चलाते हुए मिलाएंगे और पनीर को थोड़ी देर और अच्छे से पकने देंगे। दोस्तों, पनीर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। पनीर हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पनीर को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका भी पनीर स्वादिष्ट और एकदम लाजवाब बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।